हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस पे प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से। काफ़ी देर से आप मेरा वेट कर रहे हैं, 5-6 मिनट तो चलो ऊपर नीचे हो जाता है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात तो कमेंट करके बताओ तुम लोग कैसे हो, वेट कर रहे थे मुझे पता है। चलो कभी कभी तो तुम लोग मेरा वेट कर लेते हो, चलता है। क्लास रोजाना रात के 9 बजे ही होती है, उससे अलग कोई टाइम नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई अलग टाइम है तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इससे अलग टाइम में क्लास नहीं होगी। तो पता नहीं किसने पंखा चला रखा है, ये मरवा के मारने गया हमें। तो बच्चों कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। आते ना दिल फेंकना शुरू कर देते हो, बड़ा अजीब सा लगता है एकदम ना, आते ही शुरुआत दिलों से हो, है ना। तो तुम्हारे से तो मेरे बच्चों दिल मिले हुए हैं, अभी तुम आते ही दिलों की शुरुआत जो कर देते हो ना, बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, साइंस के क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात थी कि चाहे वो पेड बैच हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, सब कुछ मिलेगा आपको साइंस बाय प्रिया मैम के नाम से। तो क्या साइंस बाय प्रिया मैम पे सिर्फ साइंस के ही कोर्सेज होते हैं? नहीं जी, साइंस बाय प्रिया मैम पे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जीएस भी मिलेगा, लेकिन अब साथ साथ आपको रीजनिंग भी मिलेगा। अब आपको होली तक एक पूरी प्रखर तरीके से एक टीम मिलेगी, पूरी की पूरी टीम मिलेगी। तो सबसे पहले हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, एक VOD बैच है, उड़ान बैच, जो रीजनिंग स्पेशल का है। और किसके द्वारा? प्रिंस सर के द्वारा। तो ये है हमारे प्रिंस सर, एक्चुअल में क्या है, नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंस सर का ये जो बैच है ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन पे, जो कि एक VOD बैच है। एक्चुअल में ये VOD बैच क्यों है, क्यों लाइव बैच नहीं है? बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं या टाइम नहीं दे पाते लाइव बैचेज में। तो जो उनका रिकॉर्डेड बैच है ना, वो रिकॉर्डेड बैच किस तरह का होना चाहिए? एक्चुअल में रिकॉर्डेड बैच ऐसा होना चाहिए जिसमें कमेंट इंसान ने कम पढ़े हो, जिसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी तरह से रीजनिंग का एक बैच है, इसी तरह से मैथ्स का एक बैच आएगा, इंग्लिश का एक बैच आएगा, और साइंस का तो ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के पास में है ही, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप लोगों को बैच जो है आज से दिखना शुरू हो गया है। तो अगर किसी बच्चे को लेना है तो आज से ही आप प्रिंस सर का एक बैच ले सकते हैं, जो कि हमारे अब रीजनिंग के फैकल्टी है। तो अब से रीजनिंग के फैकल्टी जो रीजनिंग आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे वो है हमारे प्रिंस सर। और अगले हफ्ते तक पूरी टीम आपको दिखा दी जाएगी कि कौन रीजनिंग पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, और कौन इंग्लिश पढ़ाएगा। और जीएस तो आपको पता ही है, मैं ही पढ़ाती हूँ, और पूनिया सर पढ़ाते हैं, पूनिया सर और मैं दो लोग पढ़ाते हैं जीएस, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको साइंस बाय प्रिया मैम के एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिलते हैं। एक बार यहाँ पे ना इस कॉर्नर पे फ्री नोट्स मिलते हैं, देख लेना। और पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस यहाँ पे मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुक भी मिलती है आपको, सब कुछ मिलता है। बुक अगर आपको कहीं ना मिले तो ये दो नंबर है, यहाँ से बुक मंगवा लेना। वैसे तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया में अवेलेबल है, दोबारा से स्टॉक में आ गई है, खत्म हो गई थी। और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब, ठीक है। मानव शरीर में सच्ची पसलियां, मानव शरीर के अंदर जो सच्ची पसलियां है वो कितनी होती है? कहते हैं मैडम पसलियां भी सच्ची होती है। हाँ, जैसे लोग सच्चे और झूठे दोनों तरह के होते हैं, आखिर आप तुमने सुना होगा ना, लोग सच्चे और झूठे दोनों तरह के होते हैं, इसलिए पसलियां भी सच्ची और झूठी होती है, ठीक है। मैम चैट नहीं पढ़ते? नहीं, चैट तो पढ़ती हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बात तो बोल लूँ तभी तो चैट पढ़ूंगी, या बिना बात करे चैट पढ़ लो। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो इसका आंसर है 12, 14, 16 या 18। पहली बात तो रिब्स कितनी होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूर्ण की, अगर हम लोग बात करें टोटल की, ठीक है, टोटल रिब्स कितनी होती है, तो 12 होती है, लेकिन 2 इन पेयर जोड़ों में होती है ना, तो जोड़ों में टोटल कितनी होगी, 24, ठीक है। तो टोटल रिब आपकी 24 होती है, जोड़ों में आपकी 12 होती है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा भाई, 24 हो गया, ठीक है। तो 14 इसका आंसर नहीं बन सकता, 16 इसका आंसर नहीं बन सकता, 18 आंसर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 12 बनेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन है।
और आपका स्टेट एग्जाम जो होते हैं जितने भी, जैसे पटवारी हो गया, एमपी में पटवारी का एग्जाम हो गया, इस तरह के पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये बात समझने वाली है कि इनमें से, वैसे आंसर आप ये कह रहे हैं कि 12 आंसर होना चाहिए, है ना? टोटल रिप कितनी होती है? 12 होती है। टोटल रिप कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है? तो 12 मल्टीप्लाई में 2, मतलब 12 जो होती है वो पेयर में होती है, जोड़ों में होती है। अगर 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बैठेगा। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, यहां पे ट्रू रिप पूछा है। जब टोटल ही 12 है तो फिर सच्ची पसलियां कैसे पूछ रहा है वो, यानी 12 में से कितनी सच्ची? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 7 तक, ठीक है, जितनी भी होती है वो ट्रू रिब होती है। ट्रू रिब, सच्ची पसली, सच्ची पसली, ठीक है। 1 से लेके 7 तक कितनी होती है? सच्ची पसली होती है। अरे पूरी बात तो सुन लो यार, 7, 8 और 9, सॉरी 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 सॉरी, 7, 8, 9 कह रही हूं मैं, 8, 9 और 10, ये होती है आपकी झूठी पसली, झूठी पसली, ठीक है, फॉल्स रिब, फॉल्स रिब। और 11 और 12वीं पसली जो होती है वो होती है फ्लोटिंग रिब। कितनी रिब होती है? कौन सी रिब होती है? फ्लोटिंग रिब होती है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां ये, यहां पे 1 से लेके यहां 7 तक जो होती है वो सच्ची पसली होती है। उसके बाद 8, 9, 10 जो ये होगी, 8, 9, 10 ये होगी आपकी झूठी। और यहां पे जो आपकी 11 और 12 होगी या आपकी होगी फ्लोटिंग रिब। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? इस हिसाब से आंसर क्या होगा? अगर हम लोग पेयर में मानते हैं, अगर इसे हम पेयर में माने, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 14। तो टोटल रिब होती है 14। ऐसे आंसर आएगा। अब समझे, बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? तो जितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई होगी उनको भी आ गई होगी। तो अंधों में काना सरदार, नहीं आता तो 12 आंसर लगा दो, है ना? ये नहीं होता, ठीक है? आपसे पूछे जोड़ों में कितनी, तो 12। आपसे पूछे ट्रू रिप कितनी, तो 1 से लेके 7 तक कितनी होती है, यानी 7 जोड़ों में। भाई 7 इस साइड हो गई और 7 इस साइड हो गई, तो 7 और 7 कितनी हो गई? टोटल 14 हो गई। आपसे पूछे झूठी पसली कितनी होती है, 8वीं 9वीं और 10वीं पसली जो होती है झूठी होती है, यानी 8, 9 और 10, 3, 3 इधर और 3 इधर कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछे फ्लोटिंग, ये जो झूलने वाली पसली होती है कितनी होती है, 11वीं और 12वीं पसली झूलने वाली होती है, तो 11वीं और 12वीं मतलब एक ये और एक ये, 2, 2 इधर और 2 इधर कितने हो गए? 4। पता है बुढ़ापे, ये बुढ़ापा कह रही हूं मैं, जो बूढ़े लोग होते थे उनकी गिनती तुमसे कई गुना अच्छी होती थी, और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, और जिनको समझ में नहीं आया उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड, क्योंकि आपका ध्यान यहां पर नहीं था। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे सफेद सोना कहा जाता है? फटाफट से बताइएगा। नवनीत गुजर, किरण है, नीतीश है, रवि है। आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, नवनीत जी आ भी रही है, और हमारा एएलपी का बैच भी आ रहा है, तो हम बच्चों के लिए एएलपी का बैच भी लेके आ रहे हैं। आ तो रही है, रास्ते में ही है। दिल्ली पुलिस की भी आ रही है, टीचिंग की भी आ रही है, बहुत सारी आ रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो शायद हो सकता है या तो आप लेट आए हो या आपने ध्यान से ना सुना हो। बच्चों प्लैटिनम इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहली बात तो प्लैटिनम को, प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जिसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको किसी में हम मिलाएंगे नहीं, ठीक है। ये अपने आप में गोल्ड की तरह होता है, फ्री होता है और वाइट कलर का होता है, तो और महंगा भी होता है, तो कहीं ना कहीं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, महंगा होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं प्लैटिनम जो है वो एक वाइट गोल्ड होता है। एक होता है झूठा सोना, एक होता है वाइट गोल्ड, है ना, प्लैटिनम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिज़ोफ्रेनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिज़ोफ्रेनिया किसका एक उदाहरण है, सिज़ोफ्रेनिया किसका एक उदाहरण है आप लोगों से पूछा जाता है। एलर्जी है या एक जैविक अपेक्षय रोग है, डीजनरेटिव डिसीज है, मेंटल इलनेस है, या इनमें से कोई नहीं है। इसी के साथ कम से कम 100 लाइक हो जाने चाहिए, फटाफट से 100 लाइक करो। पटवारी वाले 101% पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों का कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर साइंस आती है सरकारी नौकरी का, वो सब पढ़ो, ठीक है। सबसे भारी अगर हम लोग उसमें हो जाएगा, हाँ प्लैटिनम,
SSB का कोर्स, SSB का कोर्स, सारे एक एक कोर्स आपका निकालेंगे, कोई भी एग्जाम है तो ये वाला कोर्स ले लो, है ना, जिसमें हिंदी बिंदी सब कुछ होगा। आराधना, ओके। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये शिजोफेरिया जो है ना, एक दिमागी बीमारी है, ठीक है, एक दिमाग में होने वाली बीमारी है, दिमागी बीमारी है, दिमागी बीमारी है, मेंटल बीमारी, मेंटल इलनेस बीमारी है। इसमें इंसान को क्या होगा, इसमें इंसान को हेलुसिनेशन होती है, यानी जो चीज़ सच्ची नहीं है, सच्ची नहीं है वो भी दिखाई देती है। जैसे सपोज करो किसी को ये बीमारी हो जाए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो वो IAS बन जाएगा कि भाई मैं तो IAS हूँ, मेरे पीछे तो चार पांच कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर घूम रहे हैं। या फिर कोई आशिक है जिसे ये बीमारी हो गई, तो उसको ऐसा लगेगा कि फलानी तो मेरे से ही प्यार करती, इस तरह की बीमारी है, ठीक है। यानी इंसान जो है हेलुसिनेशन करने लग जाता है, जो चीज़ सच्ची नहीं है उनको भी सच मानने लग जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर इंसान जैसे मरने वाला है या कोई मारने वाला है, इस तरह के हेलुसिनेशन होते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के नाइट्रोजन चयापचय में मदद करता है, ठीक है। इनमें से देखो, अगर हम लोगों से मेटाबॉलिज्म के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा जाता इंसानों के लिए, तो हमें पता होता भाई कौन से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें कम चाहिए होते हैं। जैसे हमें विटामिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बाहर से, इस तरह के, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए होते हैं, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, लेकिन उसके साथ मॉलिबिडियम बहुत जरूरी है, मॉलिबिडियम बहुत जरूरी है इनके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो नाइट्रोजन और मॉलिबिडियम, ये दो ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे भाई इंसानों के अंदर मैक्रो और माइक्रो कौन से होते हैं, यानी ये जो ज्यादा खाने चाहिए और जो कम खाने चाहिए, तो वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। जिन नीट नहीं पढ़ाती बेटा मैं, सॉरी नीट नहीं पढ़ाती। बटर क्या है, बेसिक पढ़ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। बटर क्या है, बटर इज आ। मक्खन क्या है बेटा, दिमागी बीमारी तो ऐसी ऐसी है जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी दिमागी बीमारी है जिनका हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। जैसे बताइएगा रवि, कल से LP का बैच लॉन्च हो रहा है और वो स्टार्ट हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो पहले उस पर एनरोल होंगे बच्चे, फिर वो स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो बटर क्या है बेटा, फैट डिस्पर्स इन मिल्क, फैट डिस्पर्स इन वाटर, वाटर डिस्पर्स इन फैट, नन ऑफ दीज। दूध में वसा फैल गया, वसा में पानी फैल गया, पानी में वसा फैल गई, या उपयोग में से कोई नहीं। देखो वसा में पानी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी पानी और वसा एक साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं भाई। पानी में से फैट थोड़ा ना निकालते हैं, दूध में से तो फैट निकालते हैं, वही तो बटर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए है, इसका जो राइट आंसर है वो ए है कि हम दूध में से क्या निकालते हैं, फ्लैट कह रही हूँ मैं, फैट निकालते हैं, ठीक है। हाँ रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आराधना, ठीक है। भोला जल्दी, ओके। और फीस क्या होगा भोला ALP का, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है क्या फीस होगा, वो आप जब एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। चले भाई, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन एज लोकस ऑफ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन का लोकस है, यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका लोकस है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो थोड़े से बहुत हाई लेवल के हैं, तो जरा सुन लो, ठीक है। तो ये जो लोकस है ये आपका सेल वॉल का लोकस है, यानी ये जो पूरा डायग्राम है ये किसका है, सेल की दीवार का, या फिर कोशिका, कोशिका भित्ति का ये लोकस है। किसका है, कोशिका भित्ति का ये लोकस है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द पिक्चर प्लांट। अच्छा पिक्चर CGL के लिए भी है, सारे बैचेस हैं, हम अगर जाओगे एप्लीकेशन पे तो तुम्हें सारे बैचेस दिखाई देंगे, इवन तक की रीजनिंग का, प्रिंसर का जो बैच है वो आपको दिखेगा, ठीक है। द पिक्चर प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। पिक्चर प्लांट निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेषता है, यानी क्या विशेषता है, पिक्चर प्लांट होता क्या है। देखिए आप सभी को पता है कि पौधे हमेशा, पौधे शाकाहारी नहीं कह सकते कि शाकाहारी है, पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है एक तरह से स्वपोषी, स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वयंपोषी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी हमारे लिए खाना बोल रहे थे, हम तो मैडम अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। जैसे पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो सारे पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो इंसेक्टिवायरस होते हैं, कीट भक्षी होते हैं। और ये कीट भक्षी जब होते हैं, जब इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, कीट भक्षी हो जाते हैं। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द सेंटर्स ऑफ सिलिकोसिस एंड सिलिकोट ट्यूबरक्लोसिस डिसीज अफेक्टिंग द वर्कर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के श्रमिकों को प्रभावित करने वाले सिलिकोसिस और सिलिका ट्यूबरक्लोसिस के रोगों में से एक है। बच्चों एक तरह का टीबी या ट्यूबरक्लोसिस होता है जो सिलिका से होता है, सिलिकोसिस से होता है, ठीक है। तो ये भारत में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में जो मजदूर है उनको सिलिकोसिस हो रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी के साथ कम से कम 100 लाइक हो जाने चाहिए, फटाफट से पहले 100 लाइक करो, चाहते हो ना रोज क्लास हो तो पहले 100 लाइक कर दो। बताओ बच्चों, भाई का मैसेज आया था तो मैंने कभी क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको। चलिए कभी कभी ना परिवार भी दूर हो जाता है इन क्लासेस के चक्कर में ना। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। देखो मैंने जब एक बार पढ़ाया था, देखो बच्चों एक होता है सिरोसिस, सिरोसिस सिरोसिस होता है जब लीवर खराब हो जाए, लीवर यकृत खराब हो जाए, यकृत खराब हो जाए, ठीक है। एक होता है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस बेटा सिलिकोसिस में क्या होता है, सिलिका जब होता है, सिलिका सिलिका जो होता है वो आपके फेफड़ों में, वो आपके फेफड़ों में डायरेक्टली अगर जा रहा है, ठीक है, सिलिका किसी भी तरह से आपके फेफड़ों में डायरेक्टली जा रहा है तो इसको सिलिकोसिस बोलेंगे। और ये ज्यादातर मार्बल, ये ज्यादातर सिलिका कहां पाया जाता है, ज्यादातर कहां पाया जाता है, मार्बल के अंदर पाया जाता है। तो स्टोन क्वेरीज एंड स्टोन क्रशिंग यानी ऐसी फैक्ट्रियों में जहां या तो पत्थर घिसा जाता हो या पत्थर की खदाने हो या पत्थर को काटा जाता हो, ठीक है, ठीक है। मैं आपका वीडियो रोज देखता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों इतनी बात समझ में आई, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, बढ़िया से एकदम धमाकेदार तरीके। अरे एक बार कमेंट कर दो, दिल मत भेजा करो, कमेंट करके बता दो क्लास आवाज आवाज सही आ रही है कि समझ में आ रहा है कि सुन रहा है कि, बस ऐसे बता दिया करो, ठीक है। हाउ मेनी, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन अम्ब्रिकल कॉर्ड, मानव गर्भ नाल में कितनी धमनियां होती है। एक भी बच्चा इसका सही आंसर नहीं बता पाएगा, मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रही हूं, एक भी बच्चा इसका सही आंसर नहीं बता पाएगा, शर्त लगा रही हूं, कमेंट करके बताओ। हाँ जी सागर जी, डेली क्लासेस होती है रात के 9 बजे, सही 9 बजे, 9:05 तक तो क्लास शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, राइट बिल्कुल 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। बी आंसर, इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ओफो एक बच्चे ने तो दिया है, ए दिया है, बी दिया है, नाइस क्लास दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। और क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ये एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो पुराने रिपीटेड क्वेश्चन के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जब टपकेंगे तो आप बोलोगे अरे मैं नहीं तो कौन बे, कहने का मतलब है भाई इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही। देखो पहली बात तो अम्ब्रिकल कॉर्ड क्या है बच्चों, जब कोई भी पैदा होता है, मैं तुम कोई भी पैदा हुए ना, बिना इस कॉर्ड के तो पैदा हो ही नहीं सकते। कहते हैं मैडम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि माँ के पेट में जो भरण पोषण था, जो आपका पोषण था, जो आपका न्यूट्रिशन था, वो इसी के द्वारा आपके शरीर के अंदर जा रहा था, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर ना, इसके अंदर एक तो होती है वेन, एक तो होती है शिरा, ठीक है, और दो होती है धमनी, ठीक है, एक होती है शिरा, दो होती है धमनी, दो होती है आर्टरी,
ठीक है, एक शिरा होती है और दो क्या होती है बेटा, धमनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसके अंदर कितनी धमनियां होती है, यानी टोटल मिला के तीन होती है। ठीक है, तो ये होगी दो, ठीक है, एक होती है आर्टरी और दो होती है, सॉरी दो होती है आर्टरी धमनी और एक होती है वेन। ठीक है, कहती बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना बोलो। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो आपकी गर्भनाल जो होती है, ठीक है, उसमें कितनी शिरा होती है और कितनी धमनी होती है, कितनी आर्टरी होती है, कितनी वेन होती है, इसको लिख लो। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ क्या ये नया क्वेश्चन था या नहीं था। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन था या नहीं था, फटाफट से बताओ बोलो। अरे तुम क्वेश्चन में बोलोगे मैं नहीं तो कौन बे, मैं आंसर नहीं दूंगा तो कौन आंसर देगा, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, 1000 टीचर है भैया साइंस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद बॉम्बे बीबीजी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु इज फ्रॉम, बीबीजी ग्रुप वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता। जल्दी से बताइएगा बच्चों, एक ब्लड ग्रुप होता है बीबीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये किससे खून ले सकता है? ठीक है, ये किससे खून ले सकता है? खून ले सकता है और किसको खून दे सकता है बताइए। ठीक है, रिसीव किससे करेगा और एक्सेप्ट किससे करेगा, सॉरी रिसीव का मतलब ही होगा, एक्सेप्ट किससे करेगा, लेता किससे है, देता। ठीक है, डोनेट किसे करेगा, पता पूरा ही मिटाना पड़ेगा बताइए। और इतने को मिन जाओ भाई बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। पहली बात तो ये आया कैसे, जिन बच्चों ने पहली बार साइंस पढ़ी है उन्हें तो पता ही ना होगा, कहते नासपीटे ये कौन सा वो आ गया ब्लड ग्रुप। भाई पूरी दुनिया में अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। ठीक है, इनके अलावा ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, उसके अलावा तो नहीं होगा। या तो ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इसके अलावा तो ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों एक बार बॉम्बे में एक लड़की का ब्लड ग्रुप चेक हुआ तो भाई साहब वहां पता लगता है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना ए है ना बी है, सब परेशान हो गए। तो इसका जब ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो इसकी आरबीसी में, इसकी आरबीसी में एक एच पॉजिटिव नाम का एंटीजन मिला। एंटीजन से प्रतिजन से ही पता लगता है बेटा, आपका अगर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो बी होगा, ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो एच पॉजिटिव एंटीजन मिला। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाई एम भांडे, वाई एम भांडे नाम के साइंटिस्ट ने कहा जी इस ब्लड ग्रुप का नाम रखो, लड़की में पाया गया है बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर इस ब्लड ग्रुप की प्रकृति कैसी होगी, इस ब्लड ग्रुप की प्रकृति बिल्कुल ओ ब्लड ग्रुप के जैसी होगी। ओ ब्लड ग्रुप वाले कैसे होते हैं मेरे बच्चे, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं कि हम सबको खून दे देंगे लेकिन हम लेंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही, तो इसकी प्रकृति बिल्कुल ओ ब्लड ग्रुप वाले से होगी। ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ बीबीजी ब्लड ग्रुप वाले से, और डोनेट करने की बात करें तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, मतलब जो चाहे इससे ब्लड ग्रुप ले सकता है। वो तो मैच करके देख लो कि मिलता है कि नहीं मिलता, भाई मैं तो दे दूंगा तुम मैच करके देख लो कि मेरा ब्लड ग्रुप मिलता है तो नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा लेगा वो, ठीक है बीबीजी वाला, तो भाई बीबीजी की आदत है बिल्कुल ओ वाली, मैं अपने ब्लड ग्रुप वाला लूंगा दे सबको सकता हूं, तो ये बीबीजी से ही लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये किसी से नहीं लेगा, जिसका बीबीजी होगा उसका लेगा। पूरी दुनिया में इसके टोटल 7 बंदे हैं, पूरे वो 7 पीपल है सिर्फ पूरी दुनिया। अभी जो मतलब जो डाटा किताबों में दिया जाता था उस टाइम पे, अब तो बढ़ गए हो गए, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, 7 लोगों को मतलब 7 लोगों के अंदर ही बीबीजी ब्लड ग्रुप है। अब ज्यादा ज्यादा देखो उनके माँ बाप का ए है या बी है, ओ है या ए बी है, कुछ भी है,
लेकिन उनके बच्चों में बीबीजी देखा गया, या पिताजी का बीबीजी है, माँ का ए है, बच्चे का नॉर्मली वही ए ओ देखा गया। तो इस तरह से पूरी दुनिया में साथ है ये पता नहीं लगाया गया। एक और ब्लड ग्रुप है बेटा, इंद्रा, ठीक है। चलिए, लगभग 150 लोग हैं इंडिया और चाइना के अंदर ऐसे, क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है आरबीसी 120 नीतीश, आरबीसी की तो बात ही नहीं पूछी, मतलब ज्ञान देने से मतलब है, वो पता नहीं लेने लायक है कि नहीं है, जबरदस्ती आरबीसी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे तो बात कुछ और हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे तो बात कुछ और हो रही थी, आरबीसी की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है। तो एक तो आपको सारे एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, एसआई यूनिट याद करने होते हैं जो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में याद हो जाते हैं, जैसे वेबर है, कैंडेला है, हेनरी है, लैम्बर्ट है। फटाफट से बताइएगा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर है हेनरी, जो है वो आपकी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है, यूनिट होता है। कुछ चीजें नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन इज नोन एज, किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था या गति की स्थिति को बदलने में असमर्थ को जाना जाता है। यानी अगर, हाँ सीडीएस की क्लास है हरीश, मैं कह रही हूं जहां साइंस आता है वहां पढ़ लो, ठीक है। सीजीएल के लिए बैच ऑलरेडी है, जाके एप्लीकेशन पे देखो, देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं बोलूं, यहां पे बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो या तो रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा। निशु वो मुझे व्हाट्सएप कर दो तुम, ठीक है, क्लास में हमें, ओके। तो जल्दी से बताओ वो प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्स होगी, मोमेंटम होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी या इनर्शिया होगी, फटाफट से बताओ। देखो फोर्स होगी, मोमेंटम होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी या इनर्शिया होगी। देखो बच्चों इनर्शिया इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, पहली बात तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसने दी थी, जो गैलीलियो ने दी थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी, गैलीलियो ने दी थी। इसका काम है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। कहते मैडम कैसे, ठीक है, अब बस जो है, बस बस में जो झटका फील होता है, जो जर्क फील होता है, वो इसी वजह से होता है। बस चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, जैसे ही बस ने ब्रेक मारा तो तुम्हें तो रुक जाना चाहिए नहीं, पर फिर भी तुम आगे की तरफ झटका खाते हो। तो अगर कोई चीज मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में नहीं आ सकती, और रेस्ट में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है, लेकिन वापस रेस्ट में आ जाएगी। मतलब पोजिशन को क्या है, वही बना के रखना, रजिस्टर करके रखना, रोक के रखना। साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन का नाम है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय के कारण त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है। क्योंकि बेटा यहां गुरुत्वाकर्षण लिखा है, मैंने काट के गुरुत्वीय लिखा है, क्योंकि गुरुत्वीय और गुरुत्वाकर्षण में बहुत फर्क होता है। जैसे बताइए, साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन है बेटा। सीआरपीएफ का पेपर खराब हो गया, मैं डिप्रेशन में हूं, आज खराब हो सकता है, कल खराब हो सकता है, लेकिन आने वाला जो परसों है वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल कुछ लोगों की मौत हो सकती है। भाई तुम जिंदा हो वो सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग तो कल तक जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो जब तुम उन्हें मरता हुआ देखोगे, जब तुम्हें पता लगेगा वो मर गया, तो उससे अगला दिन सोचो कि कितना हंसी है कि मैं जिंदा हूं। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस वन है, यानी अगर हम बात करें मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस टू, नौवीं क्लास का बच्चा बता देगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लो या ग्रेविटी कह लो, एक ही बात है। अगर हवा में कोई चीज गिर रही है उसमें त्वरण है, उसमें एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो कई बार हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं कि गिर एक्सेलरेशन की वजह से, गिर ग्रेविटी की वजह से रही है, ठीक है। कहती बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना। और दूसरी बात देखो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जहां पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो या तो सेंटर पे हो सकती है, वैक्यूम में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल. इस क्वेश्चन का आंसर आधे से ज्यादा जनता नहीं दे पाएगी, मैं शर्त लगा रही हूं. ठीक है, देखो क्वेश्चन. यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा? फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है. शगुन बोलती है ये क्वेश्चन कहां से लाते हो? अभी लाएंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी लाएंगे. ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप कर ही नहीं पाओगे. और आप वो चीज बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे. द प्रॉब्लम ये है अभी फिलहाल. बताओ किसकी तैयारी करो? क्या कहते हैं, ताराचंद, ऐसी तैयारी करो कि कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाए. अच्छा इंग्लिश पढ़ो, अच्छा मैथ पढ़ो, अच्छा रीजनिंग पढ़ो, अच्छा जीएस पढ़ो और पेपर दो. और मैं बात करूंगी क्योंकि बात करने का हक है. जब तक मैं बात नहीं करूंगी तब तक सॉल्यूशन कैसे करूंगी? बात करना सॉल्यूशन है, इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है. हां इग्नोर करो. अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हें जवाब नहीं देता, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो इग्नोर करो. दुनिया को इग्नोर करो, लेकिन जिससे सवाल पूछ सकते हो उसे इग्नोर मत करो. देखो बेटा, नो चेंज बिकम डोनेट फलाना बिकम डबल फलाना ढिमकाना, चार चीज लिखी हुई है. सबसे पहली बात तो ये बात कर रहा है ग्रेविटेशन की. गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है बेटा? आपको बचपन से सिखाया गया है गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर रहा है कि किन्हीं भी दो चीज, कोई भी दो चीज है, एक M1 मान लिया, एक M2 मान लिया, तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में क्या होता है? आकर्षित बल होता है. ठीक है, किन्हीं भी दो चीजों के बल आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है. तो अट्रैक्शन जो होगा उनके बीच में एक दूरी होगी R. तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया? व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल. यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाए तो बल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो पहले कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के. यानी अगर आप दोनों को ज्यादा कर दोगे तो दोनों के बीच का बल भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर इन दोनों को घटा दोगे तो दोनों के बीच का बल भी घट जाएगा. पहला इक्वेशन तो ये कहता है. इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है. दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब आपका आंसर मिलेगा बेटा. R क्या है? R दूरी है. R क्या है? डिस्टेंस है. अब आपको आंसर मिलेगा बेटा. ये फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ाया जाता है तो ये फॉर्मूला है. अदा फॉर्मूला ना बताऊं तो फिर तुम्हें टिक लगा के आगे बढ़ जाऊं. देखो बेटा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. S क्रमानुपाती. मैडम इस साइन का मतलब क्या है? यो साइन जो है ना बेटा, आमने सामने है तो वो भी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ेगा. आमने सामने नहीं है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा. देखो ये आमने सामने है, इसका मतलब तू भी बढ़ मैं भी बढ़. लेकिन एक ऊपर एक नीचे है तो इसका मतलब क्या है? अरे मैं घर तक क्लास लूँ या बाहर तक क्लास लूँ, हंस पढ़ा लें दे भाई मुझे. ठीक है, अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो बल घट जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी अगर घट रही है तो बल बढ़ जाएगा. तो बेटा आंसर क्या होगा? आंसर ये है, यहाँ पे है आंसर. कहाँ है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा दूरी कितनी दे रखी R. अगर क्या हो जाए बेटा, R अगर क्या हो जाए, दो बॉडी के बीच में R क्या हो जाए? डबल हो जाए. R क्या हो जाए? दोनों के बीच में दो गुना हो जाए. कितना हो जाए R? दो गुना हो जाए. तो दो का स्क्वायर होगा. यहां देखो, यहां ये देखो, R R R की वैल्यू अगर दो हो तो दो का क्या होगा? स्क्वायर होगा. यानी एक चौथाई, एक चौथाई, 1/4 हो जाएगा. और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको साइंस बाय प्रिया मैम का बैच एक ज्वाइन करना पड़ेगा, पेड बैच. क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा पेड बैच? क्योंकि तुम्हें बेसिक नहीं आता. ठीक है, तो बिकम 9 times किस उल्लू के पट्ठे ने 9 गुना जवाब दिया? बिल्कुल कहूंगी अब 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है. राइट आंसर है बिकम लेस देन 4 times. 4 times से कम होगा. ठीक है, 4 गुना से कम होगा. और 4 गुना से क्या कम होगा? 1/4 होगा. ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है. बेसिक यार, बेसिक बोलते ना, अगर प्यार की नींव कमजोर हो तो रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है.
ठीक है। लेकिन मनोज बोलता है मैं साइंस का टीचर हूँ, ऑप्शन अच्छा नहीं है भाई। गुरुजी नमस्कार। पहली चीज़ तो है कि प्यार की अगर नींव कमजोर हो तो प्यार ज़्यादा दिन टिकता नहीं। अगर साइंस की नींव कमजोर हो तो बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे। बोलिए क्वेश्चन तो फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अरे यार ये दो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? अगर इसका आंसर नहीं दिया तो फोन में से निकल के मारने वाली हूं तुम लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पता नहीं कितनी क्लासों में एक नहीं हजार बार करवाया है। और इसी के साथ कम से कम 150 लाइक हो जाओ, नहीं तो मारूंगी बहुत। और तुम लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो तो भी मरोगे, ठीक है। मतलब मैं मारूंगी तुम्हें, सेशन को तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। सबसे पहले फटाफट से सेशन को शेयर करो जल्दी से। देखो एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, भाई ये क्वेश्चन अगर जितने एग्जाम तुम देने जाओगे अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे एग्जाम में तो मेरा नाम बदल दे। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया तो बेटा नाम बदलने के लिए तैयार हूं। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस दिन ही पढ़ाना छोड़ दूंगी अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया। इस साल जितने भी एग्जाम होंगे किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? बैकरल होती है, कैंडल होती है, क्यूरी होती है, हेनरी होती है, बताइए। यहां पे अरे बाबा, जिसने मेरा क्लास ही नहीं करा उसमें यहां गड़बड़ी आएगी, क्योंकि बेटा आपका तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हो। जिन बच्चों ने हेनरी आंसर दिया वो भी सही है, जिन बच्चों ने क्यूरी आंसर दिया वो भी सही है, जिन बच्चों ने बैकरल आंसर दिया वो भी सही है। बैकरल भी सही है, क्यूरी भी सही है, हेनरी भी सही है। तो आंसर क्या है फिर? देखो कैंडेला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कैंडेला जो है लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है। क्या है? लाइट इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई है। तो बैकरल भी बिल्कुल सही है, क्यूरी भी बिल्कुल सही है, हेनरी भी बिल्कुल सही है, लेकिन राइट आंसर क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताओ राइट आंसर क्या है सर? जो राइट आंसर देगा मैं मान जाऊंगी। ऐसी क्या गलती, जो भी बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? भाई रेडियो एक्टिविटी, दोबारा सुनो, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैकरल भी होती है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी भी होती है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हेनरी भी होती है, लेकिन कोई एक ही आंसर होगा। और यहां सारे बच्चे क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो सारे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं ये फटाफट से मुझे बताओ। तुम सारे एक ही गलती कर रहे हो, और वो क्या गलती कर रहे हो? गलती बताओ, आंसर नहीं। अभी 117 बच्चे लाए बा भाई, तो गलती बजाने का मजा आ जाएगा बिल्कुल। गलती का है भाई, रोज क्लास में बता रही हूं रोज, क्या गलती है मेरे अच्छे लगने से? बेटा तेरा पेपर क्लियर नहीं होने का, जल्दी बता, जल्दी 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 जल्दी। ओ माई गॉड, सिर्फ तुम आंसर दे रहे हो, ठीक है। मैं मर क्यों नहीं गई तुम्हारे गलत आंसर देने से पहले? बच्चों अगर यूनिट की बात की जाए, अगर इकाई की बात की जाए, सबसे पहली बात तो हेनरी आंसर कैसे होगा? अगर रेडियो एक्टिविटी की इकाई की बात की जाए तो इनका पूरा नाम था हेनरी बैकरल। क्या नाम था पूरा? हेनरी बैकरल, ठीक है। उसके बाद क्यूरी, क्यूरी ने भी दी थी। उसके बाद एक और था बच्चे जिनका नाम था रदरफोर्ड। बेटा रदरफोर्ड यूनिट थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में बताया था, जिसके बिना, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में बताया था जिसके बिना रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिकता खोजी नहीं जा सकती। मैडम क्यूरी ने रेडियो, रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज किसकी? रेडियो एक्टिविटी की किसने की थी बेटा? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। तो बच्चों इसी वजह से हेनरी बैकरल जो है वो यूनिट भी होती है, क्यूरी भी यूनिट है और रदरफोर्ड भी यूनिट है, क्योंकि इनका योगदान रहा है, इनका योगदान रहा है, इसलिए इनकी यूनिट है। लेकिन अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी किसने खोजी थी? हेनरी बैकरल ने, इसीलिए ये इसकी एसआई यूनिट है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है एसआई यूनिट। आप सिर्फ यूनिट देख रहे हो, आप सिर्फ यूनिट देख रहे हो, मैं क्या देख रही हूं? एसआई यूनिट। इसलिए कहा जाता है
कि दुआ में उसे जिस जिस इंसान को बार बार तुम मांग रहे हो, अगर भगवान तुम्हें दुआ में उसे नहीं दे रहा है, तो भगवान ने वो चीज़ें भी सुनी है जो तुम नहीं देख सकते या सुन सकते, और वो चीज़ें भी देखे जो तुम नहीं देख सकते, वो चीज़ें भी सुनी है जो तुम नहीं सुन सकते, इसलिए वो तुम्हें वो नहीं देख रहा। क्यों क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि एक दिन तुम्हें तुम उसे भूलने की भी दुआ मांगोगे, इसलिए नहीं दे रहा है वो तुम्हें। तो बेटा तुम यूनिट देख रहे हो, मैं सही यूनिट देख रही हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो बैकरल होगा। हेनरी इनका पूरा नाम है, हेनरी बैकरल। बैकरल इनकी पूरी यूनिट जो है वो बैकरल होगा। कैंडेला किसकी होती है? इंटेंसिटी वाली, लाइट की। एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि इतनी मैंने 10 बार पढ़ाया होगा, तो 10 बार मैंने बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा और 10 बार बताया, लेकिन उसके बाद भी आज आपने क्वेश्चन का आंसर गलत किया, तो फिर मुझे दोबारा से क्वेश्चन के साथ, मुझे ये लगा था कि मैं ये क्वेश्चन एक बार में बोलूंगी तो धड़ाके से आंसर आएगा, लेकिन आप सब डूब गए। और मैंने बहुत बार बताया कि हेनरी बैकरल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एक ही है, मतलब सॉरी रेडियो एक्टिविटी का एक ही असाइनमेंट है हेनरी बैकरल। मैम मुझे आपसे प्यार हो गया, देखो मुझे प्यार करने वाले तो लाखों मिलेंगे, लेकिन मेरा प्रेम किसी एक के लिए ही होगा, है ना। अब मैं सबको प्यार तो नहीं कर सकती, हाँ एक टीचर वाला प्यार, एक माँ वाला प्यार, एक दोस्त वाला प्यार होगा, लाखों मुझे प्रेम करते होंगे, लेकिन मेरा प्रेम तो किसी एक के लिए ही होगा ना, तो इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल द रिएक्शन When an acid and a base react together to form salt and water, जब अमल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट से बताइएगा इसका आंसर, तो मेरे प्रभु को सही दे दो। अब मैंने प्रभु क्यों बोला? क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान बसता है, तो तुम हमारे प्रभु हो, तो प्रभु आंसर दो जल्दी, नहीं तो असल में प्रभु को क्या लेना पड़ जाएगा? जन्म लेना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा साइड में हो जाओ, लो भाई साइड में हो गए, जैसे मुझे साइड में कर रहे हो ना, ऐसे ही कुछ लोगों को अपने जीवन से साइड में करना है तुम्हें, ठीक है। मैम आप क्या है? मैं एक इंसान हूं जिसके अंदर प्राण दिए भगवान ने, जो कभी भी छीन लेगा। बेटा इसने बोला अगर एसिड और बेस आपस में मिलता है, जब बच्चे एसिड और जब बेस, जब अम्ल और जब क्षार आपस में मिलता है, तो वो देता है सॉल्ट, वो देता है लवण और देता है पानी, जल। तो इसकी जो पूरी एक्चुअल रिएक्शन है वो बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। एसिड जैसे HCl, बेस जैसे NaOH, जब ये आपस में मिलते हैं तो वो नमक देते हैं जो तुम लोग रोज खाते हो, टाटा का नमक, सेंधा नमक, कोई भी नमक खाते हो, NaCl नमक खाते हो, और साथ में मिलता है पानी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम उदासीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को? उदासीन, उदासीन अभिक्रिया। जितने बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, भैया लिख लो, और जिनका एमपी के एग्जाम के पेपर, एमपी में पेपर है, वो भी लिख लो भैया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। सी इसका राइट आंसर है। कहते बात समझ में आई? गुड इवनिंग। उदासीन अभिक्रिया, अगर हम अमल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो किस तरह की अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन? मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो कार्बन से बना है? अच्छा बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तुक्का लगाओगे 101%, NCERT का क्वेश्चन है। 200 लाइक कौन करेगा रे बबुआ? भैया अब तो जिद है, 200 लाइक तो करने ही पड़ेंगे हमको ना, हाँ पता, 200 लाइक भाई फटाफट से 200 लाइक करो। अरे यार नौकरी नहीं मिल रही है तो कोशिश करो, और क्या जरूरी है सरकारी नौकरी करनी? फटाफट से बताओ राइट आंसर क्या है।
बताओ जल्दी से। 12%, 12% है इसके अंदर, है तो भाई आंसर तो है 12%। अंकिता दुबे ने दिया सही आंसर, रवि ने सिल्क सही आंसर दिया, और किसने दिया, अंकिता दुबे, अंकिता दुबे ने सही, अश्वनी ने दिया सही आंसर। एक्चुअली में जिन बच्चों ने ये सही आंसर दिया है उन लोगों ने एनसीईआरटी को थोड़ा बारीक से पढ़ा है, ठीक है, बारीकी से पढ़ा है, इसलिए वो आंसर दे पा रहे हैं 18.5, क्योंकि एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 18.5% जो है वो शरीर जो है हमारा वो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। इसीलिए हमारे मरने के बाद हमारा कंकाल कितना पुराना है इसके लिए की जाती है कार्बन डेटिंग, और ये कार्बन डेटिंग कभी तभी की जा सकती है बेटा जब हमारे अंदर कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉप होता है C14 जिससे ये पता लगता है कि हमारे अंदर कितना 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 कार्बन है। कार्बन ज्यादा होगा तो कंकाल नया है, और कार्बन कम होगा तो कंकाल पुराना है, और पूरा शरीर कितना 18.5% से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन मैमेलियन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या बेसोफिल, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, जल्द से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, जैसे बताइएगा। बताइए बच्चे से, बताइए राइट आंसर क्या है बच्चों। मैं मुझे नींद आ रही है तो सो जा मेरे बच्चे, मैं क्या करूं इसमें, देखो बच्चा इसका जो राइट आंसर है वो है मोनोसाइट, मोनोसाइट इसका राइट आंसर। अब ये है क्या, पहली बात तो ये भला क्या है, इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ऐसे भी लिखा जा सकता था कि बताइए सबसे छोटी या बड़ी WBC क्या होती है, बड़ी या छोटी WBC क्या होती है, यानी सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है ना। देखो ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी WBC है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका है, जो क्या करने का काम करती है बेटा, ये लड़ती है, क्या करती है, लड़ती है बीमारी से, बीमारी से लड़ती है भाई, बीमार हो जाओगे तो उससे ही लड़ेगी। तो अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, अगर ये पूछ लेते तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता। तो आपको घुमाया गया, बोला कि मैमल, स्तनधारी यानी जो बच्चे दे सकते हैं, उनमें ये सबसे बड़ी कौन सी है आपसे पूछा, तो आप थोड़ा घुमा गए कि ये कौन सी है, तो बेटा कुछ नहीं है, WBC में सबसे बड़ी कौन सी है, नॉर्मल पूछा, राइट आंसर इज मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, इन तत्वों के धनात्मक गुणों में संदर्भ सही क्रम में क्या है, जल्दी से बताइएगा, मेटलिक कैरेक्टर फटाफट से बताइएगा सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, बताइए बच्चों, अब ये आधे बच्चों को पता लगा हेयर कट कब करवाया, देखो जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है, और जब भी हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, यानी जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये घटता है, डिक्रीज होता है, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये घटेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर फॉस्फोरस, तो इसका राइट आंसर ए है। अब मैडम इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी, जो कौन पढ़ाएगा, जो मैं ही पढ़ाऊंगी तभी सीख पाओगे। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल भूल चुके हो, ये याद है, कितने बच्चे पीरियोडिक टेबल भूल चुके हैं, याद है ना। तो बच्चों सोडियम मैग्नीशियम, क्लियर है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटेलिक जो एक्टिविटी है, करेक्टर है, वो इंक्रीज होता है, और अगर हम लोग जाए लेफ्ट टू राइट तो हमेशा घटेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर इन एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच कितना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज करवा देंगे पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसी के साथ 200 200 200 लाइक हो जाने चाहिए। देखो हम बातें करते हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन उन बातों से अगर आपको कुछ मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या मतलब मैं बस पढ़ाते रहूँ, बकवास बिल्कुल, पिक्चर बोरिंग हो जाएगी यार पढ़ने वाली, थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए होता है जीवन में। ये मोटिवेशन अगर रात तक भी चल जाए तो बहुत है, और सुबह तक चल जाए तो बहुत बढ़िया, अगले दिन फिर मैं डोज दे दूँ। भाई मेरा मोटिवेशन अगर 12 घंटे काम कर जाए तो अगली अगली क्लास 12 घंटे बाद होनी है, तो फिर पहुंच जाएंगे, फिर मोटिवेशन अगले दिन फिर 12 घंटे, तो हर बार अगर मेरा मोटिवेशन 12 12 घंटे चल जाए तो मजा आ जाएगा। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो, जब खुद पे विश्वास हो ना तो दुनिया अगर गाली दे रही हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। बच्चों इस क्वेश्चन का सही मतलब मैं बताऊं आपसे, अगर सिर्फ ये पूछता कि जो एसिड रेन होती है, जो अमल वर्षा होती है, उसका पीएच मान क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे 5.5। लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया, क्या घुमाया गया कि अम्ल वर्षा के अंदर जो पानी होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो मेरे बच्चों जब वर्षा होगी, जब बरसात होगी तो पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा तो उस पानी में क्या गिर रहा है, एसिड गिर रहा है, तो सीधी सी बात है वो पानी कैसा हुआ, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो क्वेश्चन को क्या किया गया, घुमाया गया, तो आप बोलोगे लेस देन 5.5, ठीक है 5.5 से कम होगा, क्यों, क्योंकि एसिड है ये, अगर 12 से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्षार, 7 से 11 के बीच होगा तो भी ये क्या होगा, क्षार होगा, ये बेस होगा, तो हमेशा लगभग 5 से कम, 5.5 से कम होता है या 5.5 होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। जो बच्चा 7.5 कह रहा है, बेटा 7.5 बेस होता है, एसिड रेन है। अब एसिड रेन क्यों होती है, यू भी सुन लो, एसिड रेन होती है H2SO4 की वजह से, HNO3 की वजह से, तो ये होता है बेटा नाइट्रिक एसिड, याद रखना नाइट्रिक एसिड की वजह से होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड होती है, वो गिरता है ऊपर से। और मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि महाभारत के युद्ध के टाइम पे, मतलब मैंने 1000 बार बताया महाभारत का युद्ध, युद्ध नहीं, भगवत गीता में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग में ऊपर से वर्षा होगी, किसकी, अमल की, एसिड की, ये वही है एसिड रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड, इनमें से कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है। आधे से ज्यादा की केमिस्ट्री मरी हुई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं आज क्यूट लग रही हूँ, चलो मास्टर भी क्यूट लगते हैं, जैसे बताइएगा फटाफट से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, है बी H2CO3, H2CO3, तो ये क्या बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है, सिंपल। नहीं नहीं H3CO4 नहीं होगा, H2CO3 होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट हैपन टू द, है एक मिनट रुको, इसको स्किप करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन में गलतियां हैं वो मैंने स्किप कर दिया, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, हाँ तो दो क्वेश्चन में जो गलतियां हैं उसके अंदर कोई टिक नहीं मिलेगा। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या है। कुछ बच्चे आंसर तो दे रहे हैं, बताइए। देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4, ये तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो C2H2O4 होता है, ठीक है, और जो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है वो भी बिल्कुल क्या है मेरे बच्चों, सही है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या ये एसिटिक एसिड से कमजोर होता है, तो बिल्कुल ये एसिटिक एसिड से कमजोर होता है। ये एसिटिक एसिड कौन सा होता है बेटा, जो सिरके के अंदर होता है, सिरका, सिरका जो विनेगर के अंदर पाया जाता है, जो विनेगर सिरके के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग एसिडिक एसिड कहते हैं। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके टमाटर में, ये पाया जाता है आपके अमरूद में, ये पाया जाता है आपके पालक में, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो पेट में पथरी भी हो जाती है, ठीक है जी। डेली क्लास होती है रात के 9 बजे,
अब क्लास से जाने का हो गया टाइम। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन टीचर आए हैं रीजनिंग के, और जिनका नाम है प्रिंस सर। तो अब जितने भी बैचेज है, हमारे जितने भी बैचेज हो गए, चाहे वो एसएससी का कंबाइन हो, चाहे वो रीजनिंग स्पेशल हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी रीजनिंग आ रही है, तो उन सब बैचेज को कौन पढ़ाएंगे? उन सब बैचेज को पढ़ाएंगे प्रिंस सर। तो प्रिंस सर का एक उड़ान बैच लेके आए हम, जिसमें वीओडी बैच है। ये बैच पूरा का पूरा बैच कंप्लीट है, कंप्लीट रीजनिंग का बैच है जो प्रिंस सर ने पढ़ाया है, पूरा का पूरा वीओडी बैच है, जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। तो आज ही जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी आपको, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, और ये एक्सपर्ट फैकल्टी है, तो विश्वास लायक बिल्कुल फैकल्टी है। मैंने उतारी है तो विश्वास लायक ही होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है अरे बैच बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, तो कैसे छोड़ के भागेंगे, वीओडी बैच ये तो पूरा कंप्लीट बैच है। तो सबसे पहले हमने इनका कंप्लीट बैच निकाला, एंड देन ठीक है, देन क्या होगा, लाइव बैच भी आने वाला है सर का बहुत जल्दी। तो मैथ्स का, इंग्लिश का और रीजनिंग का एक लाइव बैच आने वाला है, कंबाइंड बैच भी आएगा। तो बहुत सारे बैचेस अब आपको देखने को मिलेंगे, साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन। और जिनके पास मेरी बुक नहीं है वो ले लेना, वापस स्टॉक में आ गई है मेरी बुक, राय बुक शॉप पे मेरी बुक मिल जाएगी। इन ये दो नंबर है, एप्लीकेशन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी मिलेगी, और पूरे भारत में मिलेगी। तो जिनके पास साइंस की बुक नहीं है ले लो, फिर पछताओगे, क्योंकि एनसीईआरटी, क्योंकि बुक तो होनी ही चाहिए यार। तो पूरा एनसीईआरटी छठी से लेकर बारहवीं तक मैंने कंबाइन करके डाला हुआ है। जिनका टीचिंग का एग्जाम है वो तो जरूर ले लियो, कभी कहो। और ये वाली क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये वाली क्लास की पीडीएफ मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय प्रिया मैम। तो अभी साइंस बाय प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फिर ये मत कहना कि ज्वाइन नहीं किया। ये तुम्हारी पीडीएफ सेव कर दी हमने। अब मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, 200 लाइक करके जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, स्वीट ड्रीम्स, टाटा। मीठे सपने तो आते नहीं है, पता नहीं अंग्रेज क्यों बोलते हैं स्वीट ड्रीम्स।